है दोस्तों, आ गया है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे, हाँ दोस्तों, वैलेंटाइन डे प्यार का दिन, प्यार करने वालों का दिन, जिस दिन लोग अपने प्यार का इजहार अपने पार्टनर से करते हैं कि हाँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हाँ मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अब प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं दोस्तों, प्यार आप दोस्तों से कर सकते हैं, प्यार आप माँ बाप से कर सकते हैं, प्यार आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से कर सकते हैं। बस प्यार सच्चा होना चाहिए और दोस्तों ऐसे ही सच्चे प्यार के लिए बना है हमारा वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे के दिन हमारे सेलिब्रिटीज़ भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके ही फेवरेट सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने जिन्होंने कई सीरियल्स में काम किया है, उन्होंने अपना वैलेंटाइन डे कैसे मनाया स्पेशल, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। आपके फेवरेट हैंडसम डैशिंग जिन्होंने जिन्होंने काफ़ी सालों तक एक ऐसे सीरियल में, बहुत चर्चित सीरियल में काम किया दोस्तों, जो आज तक चल रहा है, हाँ उनका उन्होंने कैसे मनाया अपनी अपनी वाइफ संग वैलेंटाइन डे, जो बहुत हैंडसम है दोस्तों, जो बहुत डैशिंग है दोस्तों, जो बहुत गुड लुकिंग है, जिनकी लाखों करोड़ों लड़कियाँ दीवानी हैं, जिनका अगर एक भी एल्बम भी मार्केट में आ जाए दोस्तों तो वो भी मिलियन व्यू छाप ही लेता है। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं करण की। उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए संग कैसे मनाया वैलेंटाइन डे। उनकी ब्यूटीफुल वाइफ जो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत प्रीटी हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं, जिन्हें भी आपने कई सीरियल्स कई एल्बम में देखा है दोस्तों, हाँ दोस्तों, जिन्हें आपने अभी हालांकि रिसेंटली नए सीरियल शादी मुबारक में भी देखा था दोस्तों। हम बात कर रहे हैं उनकी ब्यूटीफुल वाइफ निशा की। दोस्तों करण ने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ निशा के लिए कैसे मनाया अपना वैलेंटाइन डे स्पेशल, आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों, हर इंसान को अलग अलग जगह फेवरेट होती है दोस्तों। तो निशा की फेवरेट जगह है दोस्तों बीच। तो दोस्तों निशा की फेवरेट जगह पे बीच पे बीच के लिए बीच को उन्होंने बीच का कुछ एरिया उन्होंने दोस्तों उस समय बुक कराया और दोस्तों उस एरिया पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डेकोर कराया हार्ट शेप बैलून से वैलेंटाइन डे के लिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, उन्होंने हार्ट शेप बैलून से उसने उस थोड़े से एरिया को डेकोर कराया। वहाँ पर बीच में उन्होंने रखी दोस्तों केक, उन्होंने वैलेंटाइन डे के लिए केक मंगवाया और दोस्तों वहाँ पर केक के पास रखे उन्होंने शैम्पियन और बहुत अच्छी तरह से डेकोर कराया बीच को। दिन में वो अपनी वाइफ निशा को वहाँ पर लेके गए दोस्तों, उन्होंने बीच पर खूब सारी मस्ती की, एक दूसरे के साथ फोटोशूट कराया, पानी में खूब खेले दोस्तों। और दोस्तों जब रात में जब थोड़ी सी सनलाइट कम हुई, यानी कि सनराइज़ होने जा रहा, सनसेट होने जा रहा था दोस्तों, सनराइज़ में तो उन्होंने किया फोटोशूट और बीच पर पानी में फुल मस्ती, और जब सनसेट होने जा रहा था दोस्तों तो उन्होंने वो अपनी वाइफ को आइस फोल्ड कर कर यानी आंखों पे कपड़ा बांध कर वो उन्हें लेके गए वहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने उनके लिए पूरा डेकोर कर रखा था। फिर उन्होंने वहाँ पर अपनी वाइफ की आंखों से पट्टी उतारी दोस्तों, और उनका सरप्राइज़ देकर उनकी वाइफ यानी निशा काफ़ी 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 खुश हुई दोस्तों, और उन्हें हक कर लिया। फिर करण ने नीस पर बैठ कर दोस्तों उनसे पूछा कि विल यू बी माई वैलेंटाइन, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया यस आई विल एंड इन माय होल लाइफ, हाँ दोस्तों उन्होंने ये कहा कि मैं जन्म जिंदगी तुम्हारी ही वैलेंटाइन रहना चाहती हूँ। इस तरह से दोस्तों फिर उसके बाद उन दोनों ने अपना केक जो वैलेंटाइन डे का रेड स्ट्रॉबेरी का केक था दोस्तों वो कट किया। फिर उसके बाद करण ने निशा को एक डायमंड रिंग गिफ्ट दी दोस्तों, और दोनों ने
बैठ कर उस केक को कट किया और वहाँ पर रोमांटिक डिनर किया दोस्तों। इस तरह से मनाया करण ने अपनी वाइफ निशा संग रोमांटिक वैलेंटाइन डे। और करण और निशा दोनों ही दोस्तों उस दिन काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी खुश लग रहे थे। तो दोस्तों अगर आपको आपके और भी सेलिब्रिटीज़ का वैलेंटाइन डे के बारे में जाना है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब